नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एडवांटेजेस है और वहाँ पे डिसएडवांटेज है। अगर आप हाइड्रोलिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ अगर कंपेयर करते हो तो आपको ये सिंपल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला एडवांटेज लिखा है वेरी फास्ट है। यहाँ पे वेरी फास्ट मतलब क्या, न्यूमेटिक सिस्टम में क्या यूज़ होता है, कंप्रेस्ड एयर यूज़ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर को विस्कोसिटी नहीं है, तो जो वो आपके एक्चुएटर में जाती है तो इजीली एक्सपांड हो जाती है। इसकी वजह से आपका जो वर्किंग है वो फास्ट है। फिर उसके बाद रन कंटिन्यूसली, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, एक ही आपका जो ऑयल है वो रिजर्वायर से आता है, फिर आपके पूरे सिस्टम में रन होके वापस रिजर्वायर में आता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है। जैसे जैसे आपकी सिस्टम ये होगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो आप एयर यूज़ कर रहे हो वो क्या हो जाती है, एक बार यूज़ करने के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है, उसको वापस से यूज़ नहीं होती है। लेकिन उसके साथ ही जब आपकी एयर आपके एक्चुएटर में एक्सपांड होती है तब क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से आपकी सिस्टम कंटिन्यूस भी रन हुई तो आपका एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है या सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। उसके बाद हॉट सराउंडिंग, आपका जो न्यूमेटिक सिस्टम है आप 125 डिग्री सेल्सियस तक के इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद माइंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम में स्पार्क वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो आप ये माइंस में यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है ये कैसी है, क्लीन है। अगर एयर का लीकेज भी होता है तो वहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट नहीं होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जब आपकी हाइड्रोलिक ऑयल है आप यूज़ करने के बाद उसका अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपको उसको डिस्पोज करना पड़ता है, तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आपकी एयर कैसे एटमोस्फेरिक से आप ले रहे हो और वापस एटमोस्फेरिक को ही छोड़ रहे हो विदाउट एनी हार्म, ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फिर उसके बाद इसमें कैसा है, रिटर्न सर्किट नहीं है। अगर आपने जनरल लेआउट में देखा, न्यूमेटिक से एक्चुएटर के बाद आपका जो एयर है इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है, तो रिटर्न लाइंस एब्सेंट होने के कारण क्या है, आपका जो सर्किट है एकदम सिंपल है। फिर ऑटोमेटिक एंड सेफ्टी सर्किट, आप न्यूमेटिक सिस्टम में क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक एंड सेफ्टी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद लीकेज, अगर आपके सिस्टम में लीकेज भी होता है, ठीक है, तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, खाली आपका इफ़िशेंसी कम आता है, ठीक है। ये तो एडवांटेजेस हुए। अभी डिसएडवांटेज की तरफ जाते हैं, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये 10 बार तक ही प्रेशर जनरेट करता है, मतलब आपकी एयर कॉम्प्रेसिबल है। इसके कारण क्या होता है, वो आप 10 बार तक ही प्रेशर जनरेट कर पाते हो, तो इसकी वजह से आप फोर्सेस कम डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद अभी एयर तो फ्रीली अवेलेबल, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल आपको हाइड्रोलिक ऑयल परचेस करना पड़ता है, लेकिन एयर परचेस नहीं करनी है। एयर तो अवेलेबल फ्री है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका जो आप उसको कंप्रेस करना पड़ता है वो आपका कॉस्टली जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस, लीकेज वगैरह, और कंप्रेस एयर आप बहुत कंसर्न मतलब अच्छे से यूज़ करनी पड़ती है, आपको लीकेज वहाँ पर आपको ये नहीं होगा। फिर उसके बाद लुब्रिकेशन, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको सेपरेट लुब्रिकेशन एक डिवाइस ऐड करना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद नॉइजी, हाइड्रोलिक सिस्टम आपकी नॉइजलेस है तो ये सिस्टम कैसी है, नॉइजी है। अगर आपको इसका नॉइज़ कम करना है तो रिटर्न लाइन में क्या करना पड़ता है, आपको साइलेंसर या मफलर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रिसाइज कंट्रोल, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है, आप प्रिसाइज कंट्रोल आपको मिलता है क्योंकि ऑयल को विस्कोसिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। अगर आपका एयर सिलेंडर के अंदर जाता है वो क्विकली एकदम फॉरवर्ड या रिवर्स मूवमेंट करता है। ये ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। इसके लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं, आपको क्या करना है। अभी ये न्यूमेटिक के है तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोलिक के एडवांटेज लिखने और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक के डिसएडवांटेज लिखने हैं। तो अभी देखो कैसा होता है। अभी हाइड्रोलिक का एडवांटेज क्या है, प्रिसाइज कंट्रोल है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है, नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, नीड लुब्रिकेशन। ऐसे आप उसको रिलेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।